Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबर। साल भर से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही दुनिया को जल्दी राहत मिलने वाली है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है और कई एक्सपर्ट का दावा है कि भारत में अगले साल की शुरुआत में लोगों के लिए टीका उपलब्ध भी हो जाएगा। मोदी सरकार ने भी वैक्सीन के वितरण के लिए तैयारियां तेज कर दी है। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेटल ने गुजरात में वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन प्लांट लगाने का ऑफर भी दे दिया, जिससे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद देश के सभी गाँव में वैक्सीन को उपलब्ध कराना और भी आसान हो जाएगा। दिल्ली और अहमदाबाद में स्थित आधिकारिक सूत्रों के अनुसार लग्जमबर्ग फर्म बी मेडिकल सिस्टम्स अगले सप्ताह गुजरात में एक हाई लेवल टीम भेज रही है, जो कि वहां सोलर वैक्सीन रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर और ट्रांसपोर्ट बॉक्स सहित एक वैक्सीन कोल्ड चेन बनाएगी। चूंकि एक पूरा प्लांट बनाने में लगभग 2 साल का समय लग जाएगा, इस वजह से कंपनी ने लग्जमबर्ग से रेफ्रिजरेटर बॉक्स मंगाकर शुरुआत करने का फैसला किया है। भारत संग नेपाल के रिश्ते सुधरते देख बढ़ी चीन की बेचैनी, आनन फानन में भेज रहा है रक्षा मंत्री। भारत और नेपाल के बीच सुधरते रिश्ते को देख हाल के दिनों में चीन की बेचैनी बढ़ रही है। ऐसे में चीन नेपाल को अपने पाले में बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इसी बीच चीन की स्टेट काउंसलर और रक्षा मंत्री वाई फेंगे रविवार को एक दिवसीय दौरे पर नेपाल जा रहे हैं। यह जानकारी नेपाल के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को दी। वही की यह यात्रा हाल फिलहाल में उच्च स्तरीय मानी जा रही है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिवसीय दौरे पर नेपाल आए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से करेंगे मुलाकात। अपने इस दौरे पर काठमांडू में वही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो रक्षा मंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके अलावा यात्रा समाप्त होने से पहले वही नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से भी भेंट करेंगे और नेपाल सेना के प्रमुख जनरल पूरन चंद्र थापा से भी मिलेंगे। किसानों के नाम पर राजनीतिक ना करें पार्टियां, सरकार बातचीत करने को तैयार है, कृषि मंत्री तोमर ने कहा। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों के जारी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों को बातचीत का न्योता दे दिया है। इसके साथ ही तोमर ने राजनीतिक दलों पर किसानों के नाम पर राजनीति करने को आरोप भी लगाया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार किसान संघों के साथ बातचीत के लिए तैयार है ताकि उनके मुद्दों को हल किया जा सके। हमने उन्हें 3 दिसंबर को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, मुझे उम्मीद है कि वे बैठक में आएंगे। तोमर ने आगे कहा कि राजनीतिक दलों से किसानों के नाम पर राजनीति नहीं करने का आग्रह भी करता हूं। झारखंड में अब ऐप से पढ़ाई करेंगे 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं। सरकारी हाई स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं अब ऐप के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षण मंच लर्नटिक ऐप उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इसके माध्यम से ऑडियो वीडियो मॉडल, क्वेश्चन आंसर व ई बुक समेत अन्य सुविधा छात्र छात्राओं को मिलेगी। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें अभ्यास प्रश्न और छात्रों के प्रदर्शन की रिपोर्ट व आवश्यक उपचारात्मक सामग्री उपलब्ध है। इससे छात्र सीधे उपयोग कर सकते हैं। 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ऐप के झारखंड संस्करण का उद्घाटन भी कर सकते हैं। रिम्स डेंटल कॉलेज में 32 डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए 5 को इंटरव्यू होगा। रिम्स प्रबंधन ने डेंटल कॉलेज में ट्यूटर के 32 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। कुल 9 विभागों के लिए ट्यूनियर आधारित 32 पदों पर 3 वर्ष के लिए यह नियुक्ति की जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों के चयन के लिए 5 दिसंबर को साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। विस्तृत जानकारी रिम्स के वेबसाइट rims.ranchi.org से प्राप्त की जा सकती है। वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर इसे स्पीड पोस्ट या प्रत्यक्ष रूप से रिम्स निदेशक कार्यालय में जमा कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के विरोध में निकाला जमशेदपुर में मौन जुलूस। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में नई शिक्षा नीति के विरोध में विभिन्न सामाजिक एवं छात्र संगठनों ने संयुक्त रूप से साक्षी अंबेडकर चौक से साक्षी गोल चक्कर तक मौन जुलूस निकाला। कार्यक्रम में अखिल भारत शिक्षा आंदोलन संयोजन समिति, लेफ्ट यूनिटी, AISF, झारखंड शिक्षा संघर्ष समिति, झारखंड जनतांत्रिक महासभा, बिरसा सेना समेत कई संगठन के सदस्यों ने भाग लिया।
वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 29 जुलाई को आनन फानन में ही नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। निश्चित तौर पर यह देशी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में लिया गया फैसला है। मौजूदा शिक्षा नीति सामाजिक न्याय की मूल भावना के विपरीत है। बीएड में नामांकन के लिए 14 को जारी होगी पहली मेधा सूची, विद्यार्थी 18 दिसंबर तक कर पाएंगे दावा आपत्ति। बीएड नामांकन को लेकर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत शैक्षणिक सन 2020-22 में जिन अभ्यर्थियों ने बीएड के लिए पूर्व में आवेदन किया था उन्हें 10 दिसंबर तक अंक पत्र अपलोड करने के साथ ही अगर कोई गड़बड़ी है तो उसमें सुधार कर लेना होगा। साथ ही अगर कोई छात्र किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए वे भी निर्धारित तिथि तक फॉर्म भर सकते हैं। राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में नामांकन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। इसको लेकर 14 दिसंबर को पहली मेधा सूची जारी की जाएगी। छात्र इस सूची पर 15 से 18 दिसंबर के बीच दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आने वाले दावा आपत्ति का निराकरण कर पार्षद नामांकन के लिए 21 दिसंबर को अंतिम मेधा सूची जारी कर दिया जाएगा। पिता व मेरे आंदोलन से सुरक्षित है झारखंड, शिबू सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन शुक्रवार को सोबरन सोरेन के शहादत दिवस मनाने गोला के लुकिया टाण पहुंचे थे। महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के कारण सीएम के दादा स्वर्गीय सोबरन सोरेन की इसी जगह पर 63 साल पहले हत्या कर दी गई थी। सीएम ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद लोगों को कोरोना वायरस से बचकर रहने को कहा। झामुमो सिप्रुमो शिबू सोरेन अपने पिता शहीद सोबरन सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हो उठे और कहा। शिबू सोरेन ने कहा कि महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के कारण बरलंगा के लुकिया टाण स्थित परचंडू पहाड़ की तलहट्टी में उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने पिता के अधूरे काम को पूरा करने का बीड़ा उठाया। इसी का नतीजा है कि आज हम समृद्ध झारखंड में सुरक्षित हैं। जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने पूछा, क्या जनता को केंद्र की योजना का लाभ नहीं मिलेगा? झामुमो विधायक व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने अपने ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सीता सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला राशन अभी तक पीडीएस दुकानदारों को नहीं मिला है, जबकि महीना खत्म होने में मात्र 2 दिन का समय बचा है। उन्होंने आगे लिखा है कि क्या जनता इस बार केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा? हेमंत सरकार पर हमलावर रही है सीता सोरेन। जामा की विधायक सीता सोरेन लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर रही है। कभी प्रधानमंत्री आवास योजना तो कभी किसी अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरते रही है। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़, एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एसएलआर समेत 169 जिंदा कारतूस कैप बरामद। भाग निकले दिनेश गोप दस्ता के सदस्य। बंदगांव थाना क्षेत्र के खांडा गांव स्थित जंगल पहाड़ी क्षेत्र में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ शुक्रवार की शाम सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने नक्सली संगठन पीएलएफआई सदस्यों को घेरने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू की। पुलिस की दिनेश गोप वह जिद्दन गुड़िया दस्ते के नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस दौरान नक्सली भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने मौके से 9 हथियार, जिंदा कारतूस, वहां की टॉकी, मोबाइल व और अन्य सामान बरामद किया। सुरक्षा बलों की ओर से शनिवार को बताया गया कि नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई। इसके बाद भी नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। रांची में सुबह से ही खिली धूप, 3 दिनों तक साफ रहेगा मौसम, ठंडी हवा के चलते बढ़ेगी कनकनी। रांची की सुबह गुनगुनी धूप के साथ हुई, आसमान से बादल पूरी तरह छट गए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों तक इसी तरह मौसम रहने की संभावना है। हालांकि ठंडी हवा के कारण कनकनी बढ़ेगी। शाम ढलने के बाद यह कनकनी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। शनिवार को शहर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान अब तक का न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। अभिषेक आनंद ने बताया कि अब अगले 3 दिनों तक मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। 29 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्पन्न होने की संभावना है। यह साइक्लोन 2 दिसंबर को तमिलनाडु पुडुचेरी की तट से टकरा सकता है। दिसंबर के पहले सप्ताह में फिर बदलेगा मौसम। रांची मौसम केंद्र के मुताबिक शनिवार से पश्चिम विक्षोभ का असर राज्य में रहेगा, जिससे रांची के तापमान में गिरावट होगी।
ठंड बढ़ने की संभावना है। सोमवार से बुधवार तक मौसम साफ रहेगा, बुधवार के बाद फिर से तापमान में बदलाव आएगा।